हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे आप सभी? तो गाइस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर मंजुल त्यागी बुक का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 4 है गाइस, इसके अंदर आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था पिछले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि इफ ए डिफरेंशियल फंक्शन एफ डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की क्यूब देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एट 4। तो हमें फंक्शन दे रखा है एफ स्क्वायर, एफ का एक्स स्क्वायर पे क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, तभी तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को पुट कर देता हूँ टी। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, है ना। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो ये बन जाएगा एफ टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी आ गया, और टी की एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, टी की पावर 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहां से एफ टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी की पावर कितना, 3/2। तो ये एफ टी आ गया। अब अगर मैं फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम, ये क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम, इसमें से एक कम करेंगे तो 1/2 आ। वैल्यू किस पे निकालनी है, 4 पे, तो एक्स को 4 पुट कर देंगे तो 3/2, ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होके 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये कहता है इफ एनी इंस्टेंट टी फॉर ए स्फीयर आर डिनोट्स द रेडियस, ठीक है, एस डिनोट्स द सरफेस एरिया, वी डिनोट्स द वॉल्यूम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv/dt, ठीक है, dv/dt की वैल्यू हमें बता। देखो मेरे प्यारे, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। तो यहां से अगर मैं ds/dt निकालूंगा तो वो आएगा 4π, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू में r का करोगे तो dr/dt। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, ds/dt आ जाता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, 4/3πr³ का डेरिवेटिव 3r² इंटू में r का dr/dt, ठीक है। तो यहां देखो 3 से 3 कैंसल, तो यहां है मेरे पास 4πr का स्क्वायर है, इसका एक r ले लेता हूं और एक dr/dt ले लेता हूं, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं और बाहर मल्टीप्लाई में r लिख लेता हूं। देखो 4πr² है तो मैंने एक r ले लिया और एक r को बाहर रख लिया और ये dr/dt। ऐसा बेनिफिट क्या होगा, देखो 4πr, यहाँ पे देखो 4πr dr/dt और इंटू में यहाँ पे क्या है, 2, तो ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 ds/dt, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, इस रिजल्ट की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 ds/dt इंटू में r, तो ये इस रिजल्ट के इक्वल आएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी के इक्वल, यहां से मैच करके देख सकते हो, ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहे हैं, वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर एफ इज ए पॉलिनोमियल इज। तो हमें क्या बताना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता, ठीक है, इस फंक्शन का। तो अब सिंपल अलर्ट कर लेता हूँ इसको, मैं वाई के इक्वल मान लेता हूँ ना, एफ ई की पावर एक्स, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो वाई का डेरिवेटिव हो गया dy/dx, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में जो इसका एंगल है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स होता है, ठीक। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है तो एक बार और डेरिवेटिव हम कर देते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का यू इंटू बी, फर्स्ट ये एज इट इज एफ डैश ई की पावर एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा प्लस में, सेकेंड ई की पावर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे एफ डबल डैश हो जाएगा ई की पावर एक्स, और मल्टीप्लाई में इसके एंगल का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स।
ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट, तो ये e की पावर x, e की पावर x, e की पावर 2x हो जाएगा, f डबल डैश e की पावर x आएगा, और प्लस में e की पावर x, f डैश e की पावर x, तो ये रिजल्ट आएगा जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो डेरिवेबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो फंक्शन है आप क्या करो उसका डेरिवेटिव करो। अगर मैं एफ डैश, देखो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल आप क्या करो इसका डेरिवेटिव करो। तो ये पी तो कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया और पी का डेरिवेटिव जीरो, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब किस पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो यहाँ एक्स को वन पुट करो टू पी आएगा, यहाँ वन का ये वन रहेगा, अब दोनों को इक्वल रख दो आप, टू पी इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आई, वन अपॉन में टू, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्सटेंड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी सारी साइड से इक्वल होती हैं, तो मान लो उसकी साइड जो है वो क्या है एक्स सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, एक्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट इंक्रीज रेट ऑफ द एरिया, तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो √3/4 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू में एक्स का करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt, ये आएगा √3/4 इंटू में 2 इंटू में एक्स कितना, जब 10 सेंटीमीटर हो 10 इंटू में, और ये कितना दे रखा है अपने को 2, ये इससे कैंसिल होके 4, तो 10√3 ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता, ये कहता है कि लेट एक्स और वाई बी रियल नंबर सच दैट एक्स जो है वो -4 और 4 के बीच में लाई करेगा और वाई -5 और 5 के बीच में लाई करेगा। लेट थीटा बिलोंग्स टू आर एंड लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले अगर मैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर निकालू तो इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस में इसका होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यह आएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab करोगे तो 2xy साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में, जब इसका होल स्क्वायर करोगे यह आएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा 2xy साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये इससे कट जाएगा। अब कोस स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखो एक चीज और देख लो, यहाँ इसमें कोस स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, और ये एक मिनट उल्टा कर दिया हम लोग, यही दे रखा है, यही दे रखा है। अच्छा माइनस करना था, सॉरी माइनस करना था ना, माइनस करना था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे भाई, ये नहीं कटेंगे क्योंकि माइनस करना था मैंने ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4xy साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, इसको हम जेड मान लेते हैं, ठीक है पूरे को इसको जेड मान लेते हैं। ये आया माइनस का 2xy, देखो 4 है तो मैं इसको 2 लिख लिया और एक 2 इसके साथ लगा दूंगा ना, तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, ये जेड आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जेड किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, याद रखना एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर है, इसने दे रखे हैं कि एक्स और वाई रियल नंबर रहेंगे, तो फंक्शन हमारे पास थीटा का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
जो भी फंक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे, तो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो माइनस का 2xy तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा हो गया, और एंगल का करोगे तो 2, ये आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस का 4xy कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में 0। और कोस 2 थीटा 0 कब होता है भैया, कोस 0 होता है 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आ गया। तो यहां से थीटा कितना आया, पाई बाय 4 आया, है ना। अब ये थी वैल्यू, आप कहां पुट कर दोगे, यहां पे, ऑलराइट। क्योंकि अब मैक्सिमा के लिए आपको पता है, अब ऑटोमेटिक मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ही वैल्यू आई है, इसका मतलब उसी पे मैक्सिमम आने वाला है। तो आप थीटा की ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, जेड में पुट कर दो, गिवन फंक्शन में पुट कर दो, तो वहां से आपके पास वैल्यू आ जाए। तो ये मेरे पास है, ये आ जाएगा माइनस का 2x इंटू वाई, और ये हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा यहाँ पुट करोगे तो पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2xy, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले -4 पुट कर दो, या -5 पुट कर दो। अब दोनों नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। तो आप एक काम करो, एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो और एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, इस माइनस को खत्म कर दो आप। तो ये 2 × 4 × 5 तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम, ये 40 आ सकता है, तो बी आंसर। क्योंकि y और x मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, आप इसको मॉडुलस में लेके देख लो या जो भी है, ठीक है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। देखो मेरे प्यार, सबसे पहली स्टेटमेंट है, कहते हैं द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट विल एग्जिस्ट इफ देयर इज ए वन टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दैट पॉइंट एंड द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ये जो बात कह रहा है उसकी बात करूं, तो ये कहता है कि किसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी पॉइंट पे, तब एग्जिस्ट करता है अगर उस पॉइंट पे, उस कर्व पे क्या हो, एक क्या हो, उस पॉइंट पे क्या हो हमारे पास, उस कर्व पे एक टेंजेंट हो, और वो टेंजेंट आपका किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब पैरेलल होना चाहिए वाई एक्सिस। कोई भी टेंजेंट अगर हम बात करें पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होता है, अगर उसमें डी एक्स वाई डी वाई आपका 0 आए, है ना, डी एक्स वाई डी वाई की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो चीज है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे, कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कहीं भी कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जरूरी नहीं है मेरे प्यारे, ठीक है ना। डेरिवेटिव सिंपल है, किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो जरूरी नहीं है क्या कि वो जो टेंजेंट आए उस पॉइंट पे आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आए या वाई एक्सिस के पैरेलल आए, वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकता है ना, तो वो भी चलेगा, समझ में आई बात। तो ये कंडीशन तो वैसे ही गलत हो गई। और सी की बात करें, कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट विल बी एग्जिस्ट इफ देयर इज ए वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू द कर्व ऑफ दिस एट दैट पॉइंट एंड द टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब जरूरी नहीं है ये भी चीज, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो जरूरी नहीं है उसका एक ही टेंजेंट आए, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है, डी आंसर आएगा, सिंपल बेसिक चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, ये कहते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू है इसकी एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक्सट्रीमम वैल्यू कौन सी होती है, जिसपे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 0 हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो वाई का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तो या ए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस में आ जाएगा 2bx प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी दोनों पे एक्सट्रीमम वैल्यू है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -1 पे भी डेरिवेटिव 0 होगा
और एक्स इज इक्वल टू टू पे भी डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले एक्स को -1 पुट करेंगे यहाँ पे, ये माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का 2b+1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। उसके बाद एक्स को 2 पुट कर दो, ये आएगा ए बाय टू प्लस में यहाँ आ जाएगा 4b+1 इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है और वैल्यू निकाल लेनी है ए और बी की। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, ए प्लस में 8b हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर देंगे, ए से ए कैंसल। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6b+3 इज इक्वल टू 0, तो 6b इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। और ये बी की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो माइनस का ए ये प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज दिस, व्हाट इज द एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 0। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वेलोसिटी होती है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 का 0 ये आएगा माइनस का 3+12t2। ये कहता है वेलोसिटी जब 0 हो जाए तब एक्सलरेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगी तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाके देखो ये आ जाएगा मेरे पास 12t2 इज इक्वल टू में 3, t2 इज इक्वल टू में 1/4 हो जाएगा, इधर दिखा के टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, इसमें डेरिवेटिव करोगे इतना आएगा 24t आएगा, और टी की वैल्यू कितनी है 1/2, कैंसिल होकर 12 यूनिट आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, ये कहता है व्हाट इज द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा इंटरवल रहेगा जहां पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। ऑलराइट, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो power 1/2 / √(1 − x²) और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस में, मतलब माइनस का 2x, एंगल का डेरिवेटिव करोगे तब डेरिवेटिव कैंसिल, ये माइनस का 1 √(9 − x²). अब ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 है, तो −x/√(9 − x²) ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/√(9 − x²) क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। तो यहां से एक रिजल्ट तो ये आता है कि ये यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, <0 आ जाएगी। एक चीज तो ये आ, दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है >0, और फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फंक्शन 9 − x². इसकी अगर मैं डोमेन निकालूं तो 9 − x² क्या रहना चाहिए, >= 0। तो यहां से रेंज इसकी डोमेन आ जाएगी −3 और 3। तो यहां से ये आया कि एक्स जो है वो −3 और 3 के बीच में लाई करेगा, और यहां से है कि x < 0 है, तो x जो है वो 3 से भी छोटा है, लेकिन यहां से रिजल्ट ये भी है कि x < 0 भी है। तो x < 0 है और >-3, तो ये इंटरवल आएगा, ऑप्शन बी आंसर आ। दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डेरिवेटिव 0 होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो ये 7 इस √x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर ये 3/2 हो जाएगा क्योंकि 1/2 है और इसकी पावर 1 है, और माइनस में 6 × x^(1/2). जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 7 पावर आगे 3/2 आगे, 1 पावर कम करोगे (power 1/2), माइनस में ये 6 पावर आगे 1/2 आगे, 1 पावर कम करोगे तो x^(1/2) माइनस का आएगा, तो मैंने इसके डिवाइड में लिख दिया। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 21x हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 6 / कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x^(1/2), ठीक है ना, 2 इंटू।
ये आ जाए। अब इक्वल टू जीरो पुट करोगे, 21x-6 = 0, 21x = 6, तो x = 21, सॉरी 6/21, ये कैंसिल होके 2 पे और ये 7 पे, 2/7 आ गया, आंसर बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, मैच किसके साथ कौन सा कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन, पहला हमें क्या दे रखा है, FX = में टेंजेंट x/x। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट फंक्शन जो होता है, टेंजेंट x जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और x भी तो डिग्री है 0 से π/2, जैसे x को इंक्रीज करेंगे टेंजेंट फंक्शन भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम मैं टेंजेंट x/x की बात करूं तो ये जो फंक्शन रहता है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, किसके अंदर, 0 से π/2 के। ठीक है, तो पहले जो है वो आपका 5 के साथ मैच होगा, तो a 5 के साथ दो ऑप्शन में हो रहा है तो इन दोनों को डिलीट मारो। ठीक है, d आपका दोनों में 2 के साथ मैच हो रहा है तो d आपका 2 के साथ मैच हो। अब बारी आई किसकी, b की और c की, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो साइन फंक्शन भी हमारा जो होता है वो फर्स्ट इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है। कैसे, देखो, अगर एक मिनट, sin x/x, हाँ देखो कैसे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं साइन का, u/v से करना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, x साइन का कोस एक्स हो गया, माइनस में sin x का 1 हो गया, ये आया x, ये आया कोस एक्स माइनस में sin x/x। अब इंक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होगा, x कोस एक्स माइनस में sin x < 0, एक्स कोस एक्स लेस देन क्या आएगा, साइन। अब देखो कोस एक्स लेस देन साइन एक्स कौन से इंटरवल में, अगर मैं बात करूं यहां पे फर्स्ट इंटरवल में कोस फंक्शन जो रहता है वो हमारा डिक्रीजिंग रहता है, मतलब जैसे कोस 0 1 होता है, कोस 90 आपका 0 हो जाता है, तो वैल्यू डिक्रीज हुई ना। वैसे यार साइन फंक्शन भी आपका अगर हम बात करें इसके अंदर है ना, एक मिनट, ये आएगा 1 - 1/x, ये हो जाएगा x²-1/x, सॉरी x-1/x, और ये रहेगा x > 1 के लिए ये इंक्रीजिंग रहेगा, तो b का 1 के साथ मैच होने वाला है, b 1 के साथ मैच होने वाला है, तो c ही आंसर होगा, इसका मतलब c का 4 है तो डिक्रीजिंग रहता है भैया, ये सिंपल, ये याद रख लो आप लोग। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद रख लो आप, इसका अवैध ये इंक्रीजिंग होता है और sin x / x डिक्रीजिंग होता है फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे f - x का, तो वो आएगा x - 1/x, तो x > 1 के लिए ये इंक्रीजिंग, क्योंकि f - x > 0 रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, तो ये b का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फंक्शन दे रखा है हमें, बताना है क्या आएगा। अगर मैं फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूं तो यह आएगा 3x²-1, 3x²-1। अब इंक्रीजिंग कब रहेगा फंक्शन, सॉरी 3x² आएगा है ना, 3x² आएगा, और 3x² है मेरे प्यारे, x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये फंक्शन क्या रहेगा हमारा, इंक्रीजिंग रहेगा, कोई भी इंटरवल अगर हम लेते हैं, तो अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो इस इंटरवल की हर वैल्यू पे ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये x² है, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा।
ठीक है, क्लियर। और दूसरा है कहता है कि एफ एक्स हैज नो रूट इन दिस, इन इंटरवल दिस। देखो अगर मैं यहां पे एफ एक्स की बात करूं, एक्स क्यूब माइनस वन है, ठीक है, ये कहता है कि इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में, याद रखना यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसको अगर मैं इक्वल टू जीरो पुट करूं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, वन का क्यूब रूट, और ये होता है वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब वन क्या, देखो यहाँ पे है एक्स क्या है, ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन वन, क्लोज इंटरवल अगर होता तो ये वन के इक्वल आया, देखो ये, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में ये दोनों वैल्यू कंसीडर हम नहीं करते हैं, माइनस वन और वन, बीच की कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो ये इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करेगी, तो नो रूट, कोई भी रूट इसका नहीं आएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंक्शन दे रखा है ये इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल में, तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूं तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में क्या आया, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में आया 4। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्रीजिंग कब रहता है, जब डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, तो यहाँ से आया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन फोर आएगा, सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन फोर आएगा, तो यहां से टेंजेंट एक्स ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, थ्री है ना, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन थ्री है, इसका मतलब क्या होगा भाई, टेंजेंट एक्स जो है वो हमारे पास लेस देन माइनस का रूट थ्री आएगा, और टेंजेंट एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस का प्लस का रूट थ्री है, तो ये दो वैल्यू है, ठीक है, तो ये टेंजेंट एक्स लेस देन माइनस का रूट थ्री है, इसका मतलब एक्स जो है वो क्या रहेगा, लेस देन माइनस का पाई बाय फोर, और अगर टेंजेंट एक्स ग्रेटर देन रूट थ्री है, इसका मतलब एक्स जो क्या रहेगा, ग्रेटर देन पाई बाय थ्री, ठीक है, तो इंक्रीजिंग रहेगा इन दो केस के अंदर, कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन माइनस पाई बाय थ्री है और ग्रेटर देन पाई बाय थ्री है तो इंक्रीजिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है, या एक्स ग्रेटर देन दे रखा है माइनस का पाई बाय थ्री लेकिन लेस देन है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरे में कहता है द सेट ऑफ आर फॉर विच दिस इज लेस देन इक्वल टू सिक्स फॉर इंटरवल दिस, लोग एक्स प्लस वन जो है वो हमारा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एक्स रहेगा इस इंटरवल, ठीक है, क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा इस इंटरवल, तो बिल्कुल मेरे प्यारे अगर मैं एक्स को इधर ले आऊं, तो ये लोग वन प्लस में एक्स माइनस में एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, फंक्शन मान लेता हूँ, क्या, लोग वन प्लस एक्स माइनस एक्स मान लेता हूँ, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, ठीक है, तो लोग का डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन में एक्स प्लस वन, और एक्स का डेरिवेटिव करोगे माइनस वन, ठीक है, ये आया मेरे पास, यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये वन माइनस में वन माइनस में एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स हो, ये कैंसिल होंगे, माइनस का एक्स प्लस वन, ये आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहे, अगर लेस देन जीरो रहे तो माइनस का एक्स वन प्लस में एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ए, हाँ, तो अगर एफ डैश एक्स आपका एफ डैश एक्स लेस देन जीरो रहे, पहला केस ये लिया है, तो यहां से एक्स ग्रेटर देन जीरो आए, दूसरा केस अगर हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लें तो वहां से एक्स लेस देन जीरो आए, ठीक है, तो ये दो चीज आएगी, फंक्शन आपका देखो ग्रेटर देन जीरो, देखो फंक्शन लेस देन डेरिवेटिव लेस देन जीरो कब है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से इंफिनिटी के बीच में, ग्रेटर देन जीरो है कि जो लेस देन जीरो, मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में, ठीक है, अब ये चीज आ रही है, तो जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन डिक्रीज, एक्स की वैल्यू घट रही है फंक्शन इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो एफ एक्स जो है वो लेस देन क्या रहेगा, एफ जीरो से इस इंटरवल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये रिजल्ट क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा क्योंकि एफ फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालोगे तो 0 ही आएगी, तो ये स्टेटमेंट आर्बिट्री हो जाएगी, बी ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एरिया लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर फील्ड कैन बी इनक्लोज्ड इन 200 मीटर ऑफ फेंसिंग। सिंपल है यार, ठीक है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर फील्ड बताना है इनक्लोज्ड इन 200 मीटर फेंसिंग इफ पॉसिबल, अगर क्या हो लेंथ और ब्रेथ आपकी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ आपकी इक्वल हो। तो अगर हम पैरामीटर की बात करें तो 200 पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, एल प्लस में बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 200, और जब हमारे पास एल और बी दोनों इक्वल हो तभी लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल और बी दोनों इक्वल है तो मैं इसको एक्स के इक्वल मान लेता हूँ, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू उधर जाकर डिवाइड में कितनी आएगी, 50 आ जाएगी, एक्स तो आ गया 50 मीटर। अब एरिया क्या होता है, एक्स एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 50 है, 50 × 50 2500 हो जाएगा, डी आंसर आ, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 41, स्टोन है वर्टिकल अपवर्ड, सेटिस्फाई द रिलेशन दिस एस टी सेकेंड वेयर द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये कहता है मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा भाई, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट तब होती है जब डिस्प्ले मतलब वेलोसिटी आपकी जीरो हो, और वेलोसिटी जीरो करने के लिए मतलब इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट कर लो, 64 − 32t इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 2 आएगी, डी आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द रुपीज ऑफ द फर्म, ये दे रखा है हाउ मेनी आइटम फर्म सेल द फर्म एज मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, तो हमारे क्या कर देते हैं, प्रॉफिट का डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका देखो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400x आएगा, डेरिवेटिव करोगे 400 आएगा, माइनस का एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करोगे 2x। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 200, और ये 200 पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में, तो वहां से आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आपके आ जाए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 200 आई, इसका मतलब कम से कम 200 फर्म, हाउ मेनी आइटम पूछा है मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, तो 200 ही चाहिए रहेंगे। नेक्स्ट 43, टू स्क्वायर ऑफ साइड एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू दिस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज बताना है, ठीक है। तो देखो पहले जो स्क्वायर है उसकी साइड ए है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, a1 मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा साइड उसकी साइड वाई है तो a2 क्या मानेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं a2 की बात करूं तो यह है वाई, y का होल स्क्वायर, y की अगर हम बात करें तो y की वैल्यू में दे रखी है x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस में 2ab करोगे तो 2x³, a2 आ गया। हमें क्या करना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, सेकंड स्क्वायर का, इसका एरिया निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 2x प्लस में 4x³ प्लस में कितना आएगा, 6x², और उसको डिवाइड कर देते हैं a1 के डेरिवेटिव से मतलब 2x से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2x² और प्लस में 3x, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, बताना है आपको। सबसे पहले कहता है वाई इज इक्वल टू दिस मिनिमम होगा इस पॉइंट पे, तो देखो अगर मैं डेरिवेटिव करूँ इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो वह आएगा एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज प्लस में ई की पावर एक्स एक्स का 1, ई की पावर एक्स कॉमन है तो यह आएगा एक्स प्लस 1, और क्या करते हैं हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी, एक पॉइंट आया, इसका मतलब इसी पे वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे। तो रीजन तो बड़ा ही बकवास दे रखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, बाकी ये मैक्सिमम तो रहेगा भाई। तो 44 इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक
ठीक है, ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। नेक्स्ट कहता है ये इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल पे। अब इंक्रीजिंग कब रहता है, जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आए उस इंटरवल में। तो रीजन तो सही दे रखा है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब रीजन एकदम सही है, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एस टी, जी की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, पावर का करोगे -1, प्लस में ई की पावर माइनस एक्स एस टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, और देखो और प्लस में ये 2x, और डिवाइड में ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो एलसीएम लेने पर ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब इंक्रीजिंग रहेगा तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये चीज ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ये डिवाइड वाला हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से यही आता है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2, क्या कि x की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0 रहेगी, लेस देन 2 रहेगी, तभी तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल पे, दोनों चीजें करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। भाई टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ जाए। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये आएगा 3x² माइनस में 2x-1, और अगर मैं इसको 1 1 पुट करता हूँ तो ये 3 -2 -1, तो देखिए 3 -3 0, तो स्लोप 0 आएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और दोनों रीजन भी इसने करेक्ट दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आएगा, तो दोनों चीजें करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, एफएक्स मोनोटोनिकली आपको बताना है इसमें इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल पे रहेगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x माइनस में 1/x है, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस 1/x है। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 4x² ग्रेटर देन 1, x² ग्रेटर देन 1/4, तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1/4 आ। इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो आपका लेस देन माइनस का 1/2 रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रहेगा। याद रखना एक्स स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर होता है, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन ए रहता है और एक्स लेस देन ए माइनस का ए रहता है, ये इनइक्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आया मेरे पास, ठीक है। तो एक्स लेस देन क्या आया, -1/2, और एक्स ग्रेटर देन क्या आया, 1/2, ठीक है। अब एक चीज और है कि यहां देखो लॉग का एंगल है एक्स है, और आपको पता है लॉग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता एंगल, तो यहां से ये भी है कि एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, है ना, एक्स ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी क्या बन रही है। ये कहता है कि एक्स जो है वो 1/2 से बड़ा रहेगा, एक तो ये एक्स लेस देन, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू -1/2 आया, लेकिन ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। तो ये इंटरवल मेरे पास बन के आया यहां से, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, यही चीज बन के आएगी भाई। ठीक है, सन नेक्स्ट डिक्रीजिंग के लिए ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो लेस देन के लिए इंटरवल ये आ जाएगा सिंपल, और फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला ही है, इनमें से तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। एफ डैश एक्स हमने निकाला है ना, 4x² माइनस 1/x, या मैच यही है, ये तो डी आ जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ डीज। और ये हमारा कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, ठीक है गाइज। तो ये हमारे मंजुन त्यागी बुक का सॉल्यूशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट है। और नेक्स्ट जो चैप्टर मैं करवाऊंगा आपको इंटीग्रेशन करवाऊंगा, लेकिन उसकी लाइव क्लास लगाऊंगा 6 बजे, 6 PM,
लाइव क्लास होगी, ठीक है? ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।